पहले तो हम चेक करते हैं अब तक ना एंजाइम्स की डेफिनेशन उसका कहते हैं नॉन क्लेचर उसके मैकेनिज्म को पढ़ चुके हैं अब इसके बाद हम इसकी देखने लगे प्रॉपर्टीज के ना एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या कहते हैं ना हमने प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या देखना है कि हमारे पास एक होती है एंजाइम की एक्टिव साइट ठीक है एंजाइम की हमारे पास एक होती है एक्टिव साइट क्या होती है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेशल पॉकेट और क्लेफ्ट कॉल्ड एक्टिव साइट हमारे पास एक एंजाइम जो होता है ना उसके ऊपर हमारे पास ना एक स्पेशल पॉकेट या ना क्लेफ्ट टाइप बना होता है उसको हम कहते हैं एंजाइम वो एक्टिव साइट जैसे ये अब हम अगर एक एंजाइम बना रहे हैं ना ठीक है तो इसके अंदर भी हमारा पूरा एक एंजाइम है ठीक है ये जो हमारे पास जगह है ना ये इसकी एक्टिव साइट है ठीक है ये पॉकेट या फिर क्लेफ्ट कहते हैं ना स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट है जो कहते हैं और ये बनती किस तरह हमारे पास ये बनती है हमारे पास फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना ठीक है उनसे जो बने हुए प्रोटीन होते हैं ठीक है उनसे उनकी फोल्डिंग की वजह से यहाँ पर एक्टिव साइट बनती होती है उसके बाद अगली चीज़ है कि इट कंटेन अमीनो एसिड्स ना विच पार्टिसिपेट इन सब्सट्रेट बाइंडिंग एंड कैटालिसिस यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं ना ये पड़े हुए अमीनो एसिड्स ठीक है ये वाले ये हमारे पास ना उसके साथ सब्सट्रेट के साथ जुड़ते हैं और फिर कैटालिसिस के अंदर काम करते हैं यहाँ पर जो सब्सट्रेट अगर यहाँ पर कोई है ना तो उसने आके इसी एक्टिव साइट के साथ जुड़ना है उसके बाद यहीं पर आके उसने कैटालाइज होकर नीचे जाकर दो प्रोडक्ट्स के अंदर फिर बदल जाना ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं ना यहाँ पे सब्सट्रेट जो है वो ना एंजाइम से अनकोवलेंटली जुड़ता है उसके बाद फिर वो एक ईएस कॉम्प्लेक्स बना देता है और ईएस कॉम्प्लेक्स पे जाकर आगे इसमें कंफर्मेशनल चेंज आती है जिसको हम इंड्यूस ईएस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारे पास ना यहाँ पे जो एक्टिव साइट है ना ये एक्टिव साइट है इसमें हमारे पास ना एक कंफर्मेशनल चेंज आती है इसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं ठीक है हमारे पास ना यानी एंजाइम्स की क्या कहते हैं ना दो एक्टिव साइट के दो मॉडल थे एक लॉक एंड की मॉडल था और एक ये सब पढ़ के आते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल लॉक एंड फिट मॉडल की मॉडल का मतलब है एक्टिव साइट जो है रिजिड है बिल्कुल रिजिड है उसको अपनी शेप नहीं बदलती लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल जो उसके हिसाब से ये रिजिड नहीं है ये बल्कि अपनी ना फ्लेक्सिबल है और ये अपनी शेप बदल सकती है तो वही बात की हमारे जब ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है कंफर्मेशनल चेंज आता है जैसे हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं उसके बाद ये हमारे पास कैटालिसिस को होने में मदद करता है उससे हमारे पास ना ये अलग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ईपी कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आगे फिर डिसोसिएट होकर हमारे पास ना ई प्लस बी मिल जाता है ठीक है ये पूरा एंजाइम जितना एक्ट करता है ना ये उसका कहते हैं सारा मैकेनिज्म उन्होंने बता बता दिया ठीक है एक्टिव साइट होगी उसके बाद अगली जो चीज़ ये पहली प्रॉपर्टी होगी ठीक है अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारा वो इसकी है इसकी एफिशिएंसी को देखना हमने तो एफिशिएंसी के बारे में उन्होंने हमें कहा है कि ना हमारे पास ना एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होते हैं ना वो हाईली एफिशिएंट होते हैं ठीक है जो हमारे पास इनकी स्पीड ये हमारे पास इनकी स्पीड जो अनकैटालाइज रिएक्शन होते हैं उनकी नस्बत ना 10^3 to 10^8 टाइम्स फास्टर होती है यानी एक 1000 से ना 10 लाख गुना ज्यादा सिर्फ यानी 1 करोड़ गुना ज्यादा ना यानी इसकी स्पीड तेज होती है बहुत यानी तेज होती है इनकी स्पीड ठीक है यानी इनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाईली एफिशिएंट है टर्नओवर नंबर या फिर ना के कैटालाइसिस क्या होता है हमारे पास ये एक नई टर्म यहाँ पे इनके कहते हैं ना हमारे साथ टर्नओवर और या फिर के कैटालाइसिस क्या होती है तो द नंबर ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकंड इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर ये जो टर्नओवर नंबर है ना इसका मतलब ये है ये ना एक सेकंड के अंदर एक एंजाइम जितने सब्सट्रेट्स को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में उसको कहते हैं टर्नओवर नंबर ठीक है ये ना कहते हैं ये एक रेट कांस्टेंट होता है ठीक है और ये हमारे पास ना टर्नओवर नंबर करना कन्वर्जन फ्रॉम ईएस टू ई प्लस बी होता है और ये हमारे पास कहते हैं टर्नओवर नंबर है ना ये टिपिकली हमारे पास होता है 10^2 to 10^4 पर सेकंड ठीक है ये यहाँ पे कहते हैं करके नीचे लिखा है तो 10^2 ये तो ये दो वैल्यूज में आगे ऊपर हमारे पास स्पीड थी 10^3 to 10^8 टाइम्स फास्टर होते हैं हमारे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस और ये नीचे हमारे पास आगे टर्नओवर नंबर है जो क्या है जितने कितने नंबर ऑफ सब्सट्रेट्स हैं वो एक सेकंड में एक एंजाइम के मॉलिक्यूल के जरिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर उसके बाद अगली चीज हमारे पास ना दूसरी प्री प्रॉपर्टी होगी और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो इसको हम कहते हैं इसकी स्पेसिफिसिटी की स्पेसिफिसिटी क्या है तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं दीज इंटरैक्ट विद वन और अ फ्यू सब्सट्रेट्स ये एक या फिर ना कहते हैं चंद सब्सट्रेट्स से सिर्फ ना जाकर जुड़ते हैं इंटरैक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं कैटालाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन से सिर्फ एक किस्म के रिएक्शन को कहते हैं यानी कोई अगर ना एंजाइम डिहाइड्रोजनेट है तो सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन को ही ना करेगा एक टाइप ऑफ रिएक्शन को सिर्फ कैटालाइज करेगा द सेट ऑफ एंजाइम मेड इन अ सेल डिटरमाइंस व्हिच रिएक्शन अकर इन दैट सेल जो एंजाइम्स जिस सेल में होते हैं ना वो हमें बताते हैं कि ना किस कौन कौन से रिएक्शन होंगे उस सेल में तो हमारे पास की तीन प्रॉपर्टीज होगी उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमारे पास है कि ना हमारे पास यहाँ पे होलो एंजाइम्स और एपो एंजाइम्स होलो और एपो एंजाइम्स क्या होते हैं अभी पूरा क्या कहते हैं ना जो हमारे पास एंजाइम होता है ना ठीक है अभी हमारे पास एंजाइम है ठीक है एक हमारे पास सब्सट्रेट होता है लेकिन ना हमारे पास ना इस एक यानी अगर हमारे पास यहाँ पे यूं करके मैं एक एंजाइम बना दूं और यहाँ पे यूं करके मैं एक सब्सट्रेट बना दूं लेकिन इसको यहाँ पे फिट होने के लिए ना इतनी सी एक और चीज भी चाहिए ये जो एक और नॉन ये तो प्रोटीन का बना हुआ है ना ये जो एक अलग से अलग चीज़ है ना इसको हम कह देते हैं कोफैक्टर ठीक है जो हमारे पास मदद करती है अभी जो कोफैक्टर है ना ये हमारे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ठीक है तो अब हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं जिनके लिए ये नॉन प्रोटीन पार्ट ना लाजमी होता है सम एंजाइम नॉन प्रोटीन सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ठीक है होलो एंजाइम जो होता है ना वो एक्टिव एंजाइम होता है ठीक है विद इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट अभी अगर हमारे पास जुड़ा हुआ है ना तो हमारे पास ये भी आगे तो हमारे पास पूरा जो है हमारे पास एक एक्टिव है एंजाइम और इस एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम लेकिन अगर हमारे पास कोफैक्टर नहीं होगा हमारे पास ये नहीं होगा ना तो ये सब्सट्रेट आपके जुड़ भी नहीं सही से पाएगा तो इसको हम इसलिए कहेंगे कि ये इनएक्टिव हो जाएगा ये इनएक्टिव एंजाइम हो जाएगा और इनएक्टिव एंजाइम होने की वजह से यहाँ पर एपो एंजाइम चलाएगा विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन मोटी ठीक है मोटी यानी हिस्सा उसके बाद फिर अगला हमने देख लिया कि अभी हमने क्या कहते हैं ना ये होलो और एपो एंजाइम की बात की है तो साथ साथ हमने कोफैक्टर की भी बात करें कि अब वो हिस्सा जो कि ना होने वैसे या पैदा तो वो हिस्सा क्या है तो कोफैक्टर और कोएंजाइम की बात करें तो अगर हमारे पास जो इफ द नॉन प्रोटीन मोटी इज अ मेटालाइन अगर हमारे पास जो नॉन प्रोटीन मोटी है ना वो हमारे मेटल लाइन है तो इसको हम कोफैक्टर कहेंगे ठीक है अगर हमारे पास क्या है हमारे पास अगर मेटल लाइन जेड एन पॉजिटिव हो गया या F2 पॉजिटिव हो गया ठीक है तो अगर ये मेटल लाइन है तो इसको हम कोफैक्टर कहेंगे अगर इफ द नॉन प्रोटीन मोटी इज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना तो इसको हम कोएंजाइम कहेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे मेटल लाइन होगा तो हम इसे कोफैक्टर कहेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास ना ये होगा तो ना ये कोफैक्टर है ना यहाँ पे इसको हम एक्टिवेटर भी कह देते हैं ठीक है मेटल लाइन जो होते हैं ना उनको हम एक्टिवेटर भी कह देते हैं उसके बाद हमारे पास कोएंजाइम होगा उसके बाद जो कोएंजाइम है ना ये आगे फिर दो में डिवाइड हो रहे हैं ठीक है दो चीज़ों में डिवाइड हो रहे हैं अगर ये कोएंजाइम्स जो हैं ये हमारे पास ना ट्रांजिएंटली एसोसिएट होंगे ना यानी ना वक्ती तौर पर सिर्फ एसोसिएट हो रहे हैं एंजाइम्स तो इनको हम कहेंगे कोसब्सट्रेट्स ठीक है उसके बाद अगर हमारे पास परमानेंटली एसोसिएटेड होंगे ना तो इनको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स अब इनकी कहते हैं अगर हम एग्जांपल देख लेना तो ना एग्जांपल के अंदर कोसब्सट्रेट्स की एग्जांपल में है कि ना हमारे पास डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम इन द ऑल्टर इसके एग्जांपल में हमारे पास एनएडी पॉजिटिव आ जाती है एनएडी पॉजिटिव जैसे एग्जांपल और इसके एग्जांपल हमारे पास एफएडी आ जाती है ये जो हमारे पास कोसब्सट्रेट है ना ये हमारे पास ना ये एंजाइम से बाद में ना डिसोसिएट हो जाते हैं अलग हो जाते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पर कोसब्सट्रेट हैं और जो कोएंजाइम्स होते हैं ना दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स ठीक है जो हमारे विटामिन्स है ना वो हमारे पास कोएंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं तो ये कोफैक्टर और कोएंजाइम की बात होगी अगली अब हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आई है वो इसकी रेगुलेशन को हमने देखना तो इसकी रेगुलेशन जो है ना तो एंजाइम रेगुलेशन
एंजाइम एक्टिविटी कैन भी रेगुलेटेड, एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट कर सकती है, यानी हम उसको बढ़ा भी सकते हैं या उसको हम कम भी कर सकते हैं। और इसी को एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने के कम करने से ही हम रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास सेलुलर नीड के हिसाब से हम उसको बरकरार रख सकते हैं। अगली चीज़ की इसकी लोकेशन, तो लोकेशन इसकी विद इन द सेल भी हो सकती है, ठीक है, विद इन द सेल ही अक्सर यकीन होती है कि मैनी एंजाइम्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स के साथ होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास जिन एंजाइम प्रोटीन्स के अंदर क्योंकि बंदे में काम करना होगा राइबोसोम्स के साथ होंगे, जिन्होंने रेस्पिरेशन में मदद करनी होगी वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होंगे, तो इस तरह लेकिन अक्सर साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। ये सर्च टू आइसोलेट द रिएक्शन सब्सट्रेट और प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंपीटिंग रिएक्शंस, और इसका फिर ऑर्गेनेल्स के साथ जो जुड़े होते हैं तो फिर उस रिएक्शन को बाकी से आइसोलेट करके सही से कैरी आउट करवा देते हैं, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ना अगर, तो उसके अंदर हमारे पास ना टीसीए साइकिल होना है जिसको हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं, उसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होनी है और उसमें फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट होना है, तो इनके अंदर जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़े होंगे। साइटोसोल के अंदर जो एंजाइम होंगे उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस करानी होगी, और इसके अलावा हमारे पास उन्होंने पीपी पाथवे है वो कराना होगा, इसके अलावा फैटी एसिड सिंथेसिस करानी होगी, और जो हमारे पास फिर क्या कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए सिंथेसिस होगी, लाइसोसोम के अंदर डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलेक्यूल होगी, यही सब क्या कहते हैं इसके अंर होगा, और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होगी।